स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पावर ऑफ लेंस। तो डेफिनेशन पहले देख लें, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस फॉलिंग ऑन इट। कितनी ज्यादा लाइट रेस कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे समझेंगे हम, ये मैंने बनाया है। कौन से लेंस है ये दोनों, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और ये दोनों बनाया है कॉनकेव लेंस, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस। अभी हमने बोला कि कितना ज्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करें वो पावर वही बताता है, पावर कितनी होगी, पावर कैसी होगी। तो ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, क्या डिफरेंस है। देखो, वैसे आपके सिलेबस में थिन लेंसेज हैं विथ स्मॉल अपार्चर, थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपार्चर। मैं यहाँ पर फोकल लेंथ को समझाने के लिए इस तरह के मैंने बनाए हैं, मोटा और पतला लेंस बनाया है। वैसे हमारे सिलेबस में थिन लेंस विथ स्मॉल अपार्चर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ को कंपेयर करें किसकी ज्यादा होगी। तो मैं इस स्फेरिकल पार्ट का एक जो स्फीयर, जिससे स्फीयर बनाया गया है, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था, ठीक है, ऐसे ही इसका भी एक होगा। अभी हमसे फोकल लेंथ समझ रहे हैं इसलिए चलो इसका भी बनाई देते हैं। ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ एफ कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये हम बोलते हैं F1 और ये F2, यहाँ हम बोलते हैं 2F1 और 2F2। अभी हमें सिर्फ फोकल लेंथ से काम है। अब इसकी फोकल लेंथ देखो, इसमें कर्व कम है, इसमें कर्व ज्यादा था, इसमें कर्व कम है तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बोले 2F2, इधर बोले F2, इधर F1 और इस साइड ये इसका सेंटर, ठीक है, F1 और 2F1। किसकी फोकल लेंथ कम है, किसकी फोकल लेंथ कम है इन दोनों में से, ऊपर वाले की इनकी नीचे वाले की। ऊपर वाले की फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस इस फोकल लेंथ। तो यहां पर फोकल लेंथ कम है और यहां पर फोकल लेंथ ज्यादा है। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स में ये वाली फोकल लेंथ होती है, पॉजिटिव होती है, एफ पॉजिटिव होता है। तो यहां पर फोकल लेंथ कम है, यहां फोकल लेंथ ज्यादा है। अब लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होगा, फोकस से पास होती है, ठीक है। और यहां पर भी हम वही समझते हैं, लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास होती है। तो किसमें बता सकते हो, किसमें ज्यादा बेंडिंग हुई लाइट रे की, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, किसमें ज्यादा बेंडिंग हो रही है लाइट रे की, हाँ इसमें ज्यादा बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम मतलब बेंडिंग ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा, बेंडिंग का मतलब कन्वर्जेंस ज्यादा, और कन्वर्जेंस इज रिलेटेड टू पावर। जिसका कन्वर्जेंस ज्यादा, जो ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, जो लाइट रे को ज्यादा बेंड कर सकता है, उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी पावर ज्यादा होगी, क्लियर। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ ज्यादा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो मतलब बेंडिंग कम हुई, लाइट रे ऐसे जा रही थी ना, लेकिन ऐसे ना जाके बेंड हो गई, यहाँ पर भी ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे ना जाके बेंड हो गई, इधर बेंडिंग ज्यादा इधर बेंडिंग कम। तो फोकल लेंथ ज्यादा मीन्स बेंडिंग कम। अगर बेंडिंग लेंस है इसका मतलब इसका कन्वर्जेंस कम है, और कन्वर्जेंस कम है इसका मतलब इसकी पावर कम है। दैट मीन्स अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। मीन्स पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला तो हमारा यही है, पी इक्वल टू 1/f। इसको समझा रही हूँ मैं कि क्या होता है एक्चुअल में, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब समझ में आया कि फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा, फोकल लेंथ कम होने से कन्वर्जेंस ज्यादा, और कन्वर्जेंस इज रिलेटेड टू पावर। जितनी ज्यादा कन्वर्जेंस, जितनी ज्यादा बेंडिंग, उतनी ज्यादा पावर, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। ये मैंने बनाया है, इसका F1 F2 ले ले हम, किसका ज्यादा होगा इसका हम, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, किसी छोटे से स्फीयर का पार्ट होगा ये, तो उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व कम है, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। ऐसे ही दूसरी साइड भी, ये ज्यादा किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर होगा, ये उसका फोकस होगा, F1 और ये F2।
अब किसकी एफ कम है? नीचे वाले की ऊपर वाले की? किसकी एफ कम है? ऊपर वाले की एफ कम है। अब ये क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज? ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, ये लाइट रेस को डाइवर्ज किया, ठीक है। तो किस में, जिसकी फोकल लेंथ कम है वहां पर डाइवर्जेंस, बेंडिंग के पहले ले लेते हैं। बेंडिंग ज्यादा हुई, फोकल लेंथ कम है, तो ध्यान से देखो इसकी बेंडिंग ज्यादा है, इसकी बेंडिंग कम है। ये कम बेंड हुई, ये ज्यादा बेंड हुई, ठीक है। बेंडिंग ज्यादा मीन्स डाइवर्जेंस ज्यादा, डाइवर्जेंस ज्यादा मीन्स पावर ज्यादा, मतलब जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा, क्लियर। जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा, यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा है मीन्स बेंडिंग कम है। बेंडिंग लेस, बेंडिंग लेस मीन्स डाइवर्जेंस लेस, डाइवर्जेंस लेस मीन्स पावर लेस। फोकल लेंथ ज्यादा मीन्स पावर कम, वही पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हम इसको टेक्स्ट बुक से समझते हैं, अब ये समझ में आ गया कि क्या होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ज्यादा कन्वर्जेंस मीन्स ज्यादा पावर, ज्यादा डाइवर्जेंस मीन्स ज्यादा पावर। कन्वर्जेंस किसके लिए यूज करेंगे, जो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जेंस किसके लिए यूज करेंगे, जो डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। टेक्स्ट बुक से देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, लाइट रेस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है तो कन्वर्जेंस ज्यादा है, ठीक है। तो क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस, अब ध्यान से देखना, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ये हमारा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ क्या लिखा है, बेंड द लाइट रेस थ्रू लार्ज एंगल्स, बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंड द लाइट रेस थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन द वन विद लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो तो पावर क्या हो जाएगी, अगर दो लेंसेज हैं तो पावर हो जाएगी, सिंपली ऐड कर देंगे पी वन प्लस पी टू, और अगर ज्यादा है तो सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी तुम्हारी बुक में। अब आगे इसकी यूनिट देख लेते हैं, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ऐसा यूनिट है डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डायोप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ मीटर में हो तब, जब फोकल लेंथ मीटर में हो तब हम डायोप्टर देंगे। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप पावर देंगे, ठीक है। तो ऐसे यूनिट ऑफ पावर है, आगे देख लेते हैं बुक से, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर, ठीक है। अगर एफ मीटर में है तब पावर डायोप्टर में हम देंगे। अब डायोप्टर की डेफिनेशन है, वन डायोप्टर कब होगा, ये पावर वन डायोप्टर कब होगी, जब फोकल लेंथ वन मीटर हो, ठीक है। पावर वन डायोप्टर कब होगी, जब फोकल लेंथ वन मीटर हो, तो इसी को बुक में दिया है, वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर, फोकल लेंथ वन मीटर, तो पावर कितनी होगी, वन डायोप्टर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे साइन क्या होगा, इनके साइन क्या होंगे देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ हमें किस में मिलेगी, मीटर में मिलेगी। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, अगर पावर है टू डायोप्टर तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगी, वन अपॉन थ्री, क्योंकि पावर ऑफ फोकल लेंथ रेसिप्रोकल है, ठीक है, वन अपॉन टू, दैट इज 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई प्लस 0.5 मीटर, तो आप बता सकते हैं कैसे टाइप का लेंस होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, इंटू 100 करके, क्लियर। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है पावर माइनस 2.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी, वन अपॉन माइनस 2.5, डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, 5 से कैंसिल, 5 टू 10, 5 फाइव 25, माइनस 2 बाय 5, दैट इज माइनस 0.4 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई माइनस 0.4 मीटर, या हम बोले माइनस 40 सेंटीमीटर। एफ नेगेटिव है, मीन्स कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है।